रियली सॉरी गाइज फॉर पुटिंग दिस पार्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, बट ये दिखाना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये वो होटल है एंड पैथेटिक सर्विस और वॉशरूम यूज़ करने के भाई 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है, सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अचकनी व्लॉग्स। दिस इज़ मी आदित्य पटेल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। एंड एज़ यू नो हमारी मेघालय सीरीज़ चल रही है एंड मैं जो अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन है उनको पार्ट्स में बना रहा हूँ। सो ये सेकेंड पार्ट है हमारा। इससे लास्ट वीडियो अगर आपने चेक नहीं करी तो ज़रूर से जाके वो चेक करो। दैट वाज अबाउट वाइसोडोंग फॉल्स, बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स हैं। एंड आज भी अब जो ये वीडियो है हम कंटिन्यू करेंगे। राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अरवा केव एंड बहुत ब्यूटीफुल केव है, सो चलो चलते हैं। सो गाइज हेयर वी आर एट अरवा केव एंड यहाँ बस एंट्री करवाएंगे। एंड फॉर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बता दूँ कि यहाँ एंट्री जो कास्ट की है दैट इज़ 30 रुपीज़। तो यार यहाँ तक जो है आप अपना सफ़र गाड़ी से कर सकते हो और इसके आगे का सफ़र जो है वो आपको बाय वॉक ही करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको एक बार यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। यार मतलब क्या ही कहने। आई एम नॉट श्योर कैमरा कैसा कैप्चर कर रहा होगा, बट ये जो प्यारा सा व्यू आ रहा है ना सामने, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। तो जी हमने अपना सफ़र जो है अरवा केव की तरफ शुरू कर दिया है एंड ज़्यादा यहाँ पे आपको वॉक या ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा ही जो है वॉकिंग डिस्टेंस है, बट व्यू जो है इस पूरे रास्ते में बहुत कमाल का आने वाला है। सो वो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा, जैसे कि ये देखो। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यार, जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा होगा कि हमने कार की जो है वो एंट्री फ़ीस अलग से दी थी एंड यहाँ पे जो है अंदर केव के जाने के लिए अलग से आपको चार्ज किया जाता है 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 10 रुपीज़ जो है वो चिल्ड्रन के हैं। तो यार मेरा मानना ये है कि हर एक जगह जो है ना वो अलग होती है और उसकी एक अलग सी वाइब होती है। जैसे कि आप ये जगह देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पीसफुल है एंड यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो ठंड ज़्यादा है बिकॉज़ हाइट पर है। और ये कुछ एक मिड पॉइंट है भाई, बीच में आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो और व्यू तो भाई लाजवाब। सो हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं यार वॉक करते हुए एंड केव जो है वो ऑलमोस्ट आने ही वाली है। एंड इस रास्ते में बीच बीच में ऐसे कुछ एक डेकोरेटिव यू कैन से कि आर्किटेक्चर किया गया है जहाँ पे आप रुक के अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। एंड व्यू तो जो है भाई वो बहुत ही कमाल का है यहाँ से। बाकी अब केव देखते हैं कैसी है। तो ये है जी केव, कुछ ऐसी अंदर से। बाकी आगे से दिखाता हूँ आपको। सो वी हैव फाइनली रीच द केव और यहाँ से जो है एंट्री है केव की। बाकी यहाँ आप देख सकते हो यार, ये कुछ एक डायग्राम बने हुए हैं। ट्रिलोबल गैस्ट्रोपोड शेल कुछ है, उसके बारे में अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन है इस केव के बारे में। तो अब चलते हैं यार केव के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर से ये जो केव है वो कैसी है दिखने में। बाकी मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इस केव की दे दूँ। कहा जाता है कि ये जो केव है उसकी एज तो किसी को नहीं पता कि कितने टाइम में बनी है, बट इट इज़ सेड कि इट टुक अराउंड मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। एंड ये जो पूरी केव है, ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये भाई लाइमस्टोन है एंड उसकी ये केव है। बाकी अंदर से देख सकते हो यार बहुत ज़्यादा अंधेरा है एंड यहाँ पे बीच बीच में जो है वो छोटे छोटे LED लैंप्स तो लगाए हुए हैं, बट देन ऑल्सो इट इज़ पिच डार्क। एंड आगे जाके जो है केव और छोटी होती जाएगी और काफ़ी ज़्यादा डार्क होता जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ एक स्टेयर्स भी बनी हुई हैं और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं यार, अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा। और ये हम अंदर आ चुके हैं यार केव के। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत केव है एंड यहाँ पे कुछ एक व्लॉगर भाई भी अपने पीछे चल रहे हैं और यहाँ के लोकल व्लॉगर हैं, यहाँ शिलोंग या मेघालय के बोल लो। और ये केव देखो यार, ये जो पीस ऑफ हिस्ट्री है ना भाई इंडिया, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड इंडिया में बहुत कुछ है यार डिफरेंट एक्सप्लोर करने को। और ये जा रहा है वो व्लॉगर भाई एंड फुल जोश में है भाई। तो ये केव देखो यार कितनी ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और फुल ऑन फोटोग्राफी वगैरह जो है चल रही है। बाकी यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है, आई एम नॉट श्योर कैमरा जस्टिस कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो आप देख सकते हो यार ऐसी कुछ अंदर से ये केव है। बाकी अभी मैंने कैमरा जो है वो नाइट मोड पे डाल दी है। तो बहुत ही अलग से पत्थर है यार, ये लाइमस्टोन के पत्थर की बनी है और ये बिल्कुल भी मैन मेड नहीं है। यहाँ पे जो है रास्ता बंद किया गया है, नो एंट्री है। सो अगर आपको ऐसा कुछ कहीं पे भी दिखता है टूरिस्ट प्लेस पे तो पंगे मत लिया करो यार, उसको क्रॉस करने की कोशिश मत किया करो बिकॉज दैट कैन बी डेंजरस। बाकी इस केव में यार हर तरफ से जो है वो पानी कहीं ना कहीं से देखो निकली जा रहा है एंड पानी जो है भाई वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना इस टाइम कैप्चर कर रहा होगा बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये जो केव है आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। और यहाँ रास्ता थोड़ा सा टाइट होता हुआ तो यहाँ सिर झुका के जाना पड़ेगा भाई, वैसे तो सिर कहीं झुकता नहीं है बट कुदरत एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों का सिर झुका देती है जब अपनी आई पे आए। तो यहाँ पे जगह जो है वो टाइट होती हुई और अपने सिर का बचाव करते हुए भाई चलते हैं यहाँ से। और बहुत टाइट स्पेस है यार, ये देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो सब जो है वो अपना सिर बचा के आ रहे हैं। बट एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है और ट्राई किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सो बहुत ही अमेजिंग प्लेस थी यार केव जो है भाई, वो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है इसे बयान करने के लिए जो मैं रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके आया हूँ। और ये देखो पानी हर जगह से भाई, यहाँ पानी जो है वो निकली जा रहा है, थोड़ा सा डर भी लगता है, मतलब प्रॉपर हॉरर मूवी जो है वो आप शूट कर सकते हो यहाँ केव के अंदर। एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मैन, ट्रस्ट मी। अगर आप यहाँ मेघालय या इस साइड आ रहे हो तो ऐसी चीज़ें जो है जिनके साथ पीस ऑफ हिस्ट्री जुड़ी हो वो चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर किया करो, आपको बहुत मज़ा आएगा भाई। सो अब जो है भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये देखो यहाँ कुछ क्रॉस लगे हैं और यहाँ का पत्थर जो है ना यार ये बहुत डिफरेंट है इस केव का। और एजिंग जो है वो आपको दिखती है और फील होती है इस जगह की कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरानी जगह है एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बाकी अब चलते हैं कहीं और आगे की तरफ। सो ये देखो यार आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। एज़ यू कैन सी अभी टाइम जो है 2:55 हुआ है और हमारा फ़ोन जो है वो 3:25 दिखा रहा था। सो इसने भाई अभी बांग्लादेश का टाइम पकड़ लिया नेटवर्क ने। तो यार सुबह से हम जो है निकले हुए हैं इस खूबसूरत सफ़र पे मेघालय को जो है एक्सप्लोर करने, बट अब जो है वो थोड़ा पेट का भी सुनना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं फ़िलहाल लंच करने जीवा रिजॉर्ट पे एंड काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, सो चलते हैं वहाँ पे। तो यार अभी हम जहाँ जा रहे हैं जीवा रिजॉर्ट, ये काफ़ी फेमस है यहाँ मेघालय में, इनका काफ़ी सारे होटल की चेन्स और फ्रेंचाइजी है यहाँ पे। एंड एज़ यू कैन सी एकदम बिल्कुल अलग सी जगह पे ये रिज़ॉर्ट जो है बना हुआ है, बिल्कुल भी मतलब जो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनसे हटके बना हुआ है। बट फिर भी यहाँ पे जो है काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। और व्यू चेक करो कितना खूबसूरत है। सो ये हम पहुँच चुके हैं यार जीवा रिजॉर्ट पे। बाकी अब अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो लो जी एंट्री हो चुकी है हमारी यहाँ पे। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यार कितना ही खूबसूरत जो है रिजॉर्ट बना हुआ है एंड तभी इसके जो है इतने चर्चे हैं इस जगह पे एंड काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो आप अगर चाहो तो। तो यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है एंड काफ़ी खूबसूरती से जो है इस जगह को बनाया गया है। एंड यहाँ पे जिससे भी आप इस जगह के रिव्यूज़ पूछोगे भाई वो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव वे में देगा। बट अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अच्छा खासा टाइम निकाल के आना भाई क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर होते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। सो फाइनली अपना नंबर जो है वो आ गया भाई, तो पेट पूजा करते हैं और फिर करेंगे जर्नी कंटिन्यू। तो जी पेट पूजा हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर। एंड एज़ यू कैन सी सनसेट जो है वो होने वाला है एंड यहाँ पे रास्ते जो है वो थोड़े से छोटे हैं, काफ़ी टाइट स्पेस है। और अभी हम विलेज में से जा रहे हैं, इस विलेज का नाम जो है दैट इज़ नोहकालिकाई आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ नोहकालिकाई ही इस विलेज का नाम है। प्रोनंसिएशन मेरी शायद रॉन्ग हो सकती है यार, तो प्लीज़ उस चीज़ का माइंड मत करना क्योंकि अजीब से नाम है थोड़े यहाँ के। और ये व्यू चेक करो यार, सनसेट हो रहा है, जो आप सामने स्काई देख रहे हो पूरा ऑरेंज हो चुका है। एंड अभी गाड़ी का जो ये ग्लास है थोड़ा सा गंदा है इसलिए लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। बाकी एक बार मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से व्यू। तो यार ये जो आप मेरे सामने ब्लैक स्मोक देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री है बहुत बड़ी। एंड जैसे कि कहा जाता है कि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसका रीज़न कार्स और बाइक्स को दिया जाता है, बट ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ का क्या। तो यार ये एक और एंट्री पॉइंट जो है आ चुका है और मेघालय अगर आप आ रहे हो ना भाई, तो आप ये पर्चियाँ कटवा के दुखी हो जाओगे। सो यहाँ पे लगे हैं जी 150 रुपीज़ फॉर कार पार्किंग। और अब जाके देखते हैं कि नोहकालिकाई फॉल्स जो है वो कैसे हैं देखने में। सो यार मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो ये नोहकालिकाई फॉल्स है, दिस इज़ द टॉलेस्ट प्लज वाटरफॉल इन इंडिया। एंड यहाँ से व्यू चेक करो यार, वो रहा वाटरफॉल और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। एंड ऐसा कुछ जो है खूबसूरत सा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल जो है वो चल रहा है और आप ट्रैक करके वहाँ भी जा सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा आपको ट्रैक करना पड़ता है। एंड इस वीडियो को जो है यार यहीं पे ख़त्म करेंगे, इस खूबसूरत व्यू के ऊपर ही। एंड फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ गाइज।